आज तक जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनमें कुछ खास नहीं है, बल्कि उन्हें उन चीज़ों को करने की आदत है जो अनसक्सेसफुल लोग नहीं करना चाहते। दोस्त, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए ना आपको टॉपर की वो कॉमन हैबिट्स ज़रूर फॉलो करनी पड़ेंगी। और आज इस वीडियो में मैं CA टॉपर्स की कुछ कॉमन हैबिट्स निकाल के लाया हूँ जिसने उन्हें CA का टॉपर बना दिया, और इसलिए वीडियो पूरी देखना, क्या पता टॉपर की वो हैबिट्स आप में भी हो। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्त, क्या आप जानते हो कि वो कौन सी चीज़ है जो एक स्टूडेंट को एवरेज स्टूडेंट बना देती है और दूसरे को टॉपर? दोस्त, एक एवरेज स्टूडेंट लिखे हुए वर्ड्स को अंडरस्टैंड और मेमोराइज करता है, और वहीं एक टॉपर पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करता है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वो पहली चीज़ है जो टॉपर को एवरेज से अलग बनाती है। और दोस्त, देखो अपने आप में कि आप चीज़ों को मेमोराइज कर रहे हो या फिर कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हो। दोस्त, आपको क्या लगता है कि टॉपर्स एक दिन में 15 से 18 घंटे पढ़ते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, कुछ पढ़ते हैं लेकिन मोस्टली टॉपर यूज़ करते हैं द 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपके 80% एफर्ट्स आपको 20% रिजल्ट देंगे, और आपकी 20% एफर्ट्स आपको 80% रिजल्ट दे सकती है। तो ये कैसे? टॉपर्स के अकॉर्डिंग इस फील्ड में ज़रूरी ये नहीं है कि आपको क्या चीज़ें करनी है, बल्कि ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है। दोस्त, मोस्टली स्टूडेंट्स अपने 80% एफर्ट्स गलत जगह लगा देते हैं और तभी 20% रिजल्ट पाते हैं, और वहीं एक टॉपर सिर्फ अपना 20% लगाएगा लेकिन राइट एरिया पे, और तभी 80% रिजल्ट पा जाएगा। इसलिए दोस्त, देखो कि आप अपने एफर्ट्स राइट एरिया पे लगा रहे हो या नहीं। दोस्त, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, लेकिन टॉपर्स को ये कन्फ्यूज़न नहीं रहती, पता है क्यों? अच्छा, तो दोस्त आप एक बात बताओ, क्या आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट्स को जानते हो? तो यही चीज़ हर एक टॉपर को पता होती है। तो दोस्तों, टॉपर्स इसी स्ट्रेटेजी का यूज़ करते हैं कि अपने वीक सब्जेक्ट्स को सबसे पहले करते हैं ताकि सबसे ज़्यादा टाइम दे सके, और अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को बाद में करते हैं। इसलिए उन्हें कभी कन्फ्यूज़न नहीं रहती कि उन्हें आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कल कौन सा पढ़ना है। दैट्स वाई सेल्फ एनालिसिस करो अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स का और अपने वीक सब्जेक्ट्स का, और आपकी कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्त, ये थी CA टॉपर्स की कुछ कॉमन हैबिट्स, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो। तब तक के लिए दिस वॉज अनीश साइनिंग ऑफ।